बार स्वागत है आपका एशिया न्यूज इंडिया में। मैं हूँ कीर्ति सिंह। एक तरफ जहाँ कोरोना का संक्रमण खत्म नहीं हुआ, वहीं दूसरी तरफ एक और मुसीबत सामने आ चुकी है और इस मुसीबत का नाम है ब्लैक फंगस। दरअसल जिस व्यक्ति को कोरोना संक्रमण हो रहा है, उसके बाद उनके ठीक होने के बाद उन मरीजों को ब्लैक फंगस नामक एक बीमारी हो जा रही है। और ये बीमारी इसलिए हो रही है क्योंकि जो मरीज है वो जब इलाज करवा रहे होते हैं कोरोना संक्रमण का, तो उन्हें एक एस्टेरॉयड नामक दवाई दी जाती है जो कि मरीज के इम्यूनिटी पावर को कम कर देता है, जिसके बाद मरीज ठीक तो हो जाता है क्योंकि एस्टेरॉयड को काफी कारगर माना जा रहा है कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए। लेकिन ये उतना ही घातक भी साबित हो रहा है क्योंकि एस्टेरॉयड से मरीज कोरोना संक्रमण से ठीक होकर घर चले जा रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद उन मरीजों में एक बीमारी या फिर एक फंगल इन्फेक्शन देखा जा रहा है जिसे ब्लैक फंगस कहा जा रहा है। ये संक्रमित के आंख को नष्ट कर दे रहा है। धीरे धीरे ये व्यक्ति के आंख में आता है और रोशनी को खत्म कर देता है, जिसके बाद मरीज के आंख को निकालने की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि इसके वजह से आंख में जलन और रोशनी कम हो जाती है। साथ ही अगर ये इन्फेक्शन जल्दी और ज्यादा तेजी से फैले तो ये व्यक्ति के मस्तिष्क पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए लोगों को ये देखना है कि वो एस्टेरॉयड नामक दवाई तो ले, लेकिन उसकी भी जो डोज तैयार की गई है डॉक्टरों के द्वारा, उसको वो अच्छे से ग्रहण करें क्योंकि इस वक्त देखा जा रहा है कि देश के अलग अलग राज्यों में कई ऐसे व्यक्ति, कई ऐसे संक्रमित हैं जिनमें ये ब्लैक फंगस नामक बीमारी उत्पन्न हो रही है। और कई लोग हैं जिनका ऑपरेशन करने के बाद, आंख निकालने के बाद भी उनकी मृत्यु हो जा रही है। लेकिन डॉक्टर्स और एक्सपर्ट का मानना है कि अगर समय रहते ही इसका इलाज आसानी से कर दिया जाए तो लोगों की जान को बचाई जा सकती है। वहीं अब आपकी जानकारी के लिए बताते हैं कि आखिर इस ब्लैक फंगस के क्या लक्षण हैं और किन लोगों पर इसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। वैसे लोग जो कि कोरोना संक्रमण से अभी अभी ठीक होकर वापस आए हैं और जिन व्यक्ति को बीपी और शुगर बीमारी से, जो लोग पहले से ग्रसित है, उन्हें इससे ज्यादा खतरा हो सकता है। वहीं ऐसे लोग जिन्हें ठीक करने के लिए, जिन मरीजों को एस्टेरॉयड नामक दवाई की ज्यादा डोजें दी जा रही है, उन्हें इसका सबसे ज्यादा उन पर इसका असर हो सकता है। अब आपको बताते हैं कि इस बीमारी के क्या क्या लक्षण हैं। ज्यादा नाक में दर्द होना, साइनस होना और नाक से काला तरल पदार्थ या फिर खून निकलना और आंखों में खुजली और जलन होना ही इसका मेन लक्षण पाया जा रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि अगर आप कोरोना संक्रमण से अभी अभी ठीक हुए हैं और आपने इससे संबंधित कोई भी लक्षण अगर आपको खुद में नजर आ रहा है, तो आप जल्द से जल्द अपने निजी अस्पतालों में या फिर किसी डॉक्टर से इससे संबंधित सलाह लें और जाकर अपना इलाज करवाएं, क्योंकि डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर समय रहते डॉक्टर्स को पता चल जाए कि आखिर किस तरह की बीमारी है ये और अभी कितना फैला है, तो जो मरीज है उन्हें बचाया जा सकता है। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहे एशिया न्यूज इंडिया के साथ। मैं कीर्ति सिंह, रांची।